जो मेरे पास कंपैशन है, संवेदनशीलता है, वो बांटने आया हूँ मेरठ के लोगों को। मेरठ की जनता कह रही है कि आप मेरठ में रुकेंगे, मेरठ के लोगों के साथ चुनाव जीतने के बाद भी ऐसे रहेंगे? क्यों नहीं रहूंगा ये बताइए। मैंने अपने जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर किसी बात का लांछन लगा सके या उंगली उठा सके, तो वो ये काम भी ऐसे नहीं होगा। देश के मेरठ में क्या क्या चल रहा है? कंगना रनावत पे एक टिप्पणी हुई है, कंगना रनावत को लेकर एक टिप्पणी हुई। उनकी बात मेरे से मत पूछिएगा, उनकी बात उन्हीं से पूछिए आप। अरुण जी बताइए, अरुण जी आपका मेरठ से क्या रिश्ता रहा है? बचपन आपका यहाँ बीता है? मैं मेरी पैदाइश यहाँ की है, मेरा बचपन यहाँ बीता है, मेरे जीवन के पहले 17 साल यहीं बीते, मैंने पढ़ाई भी यहीं सीखी। कौन से स्कूल से आप रहे सर, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए मेरठ वाला। मैंने सरस्वती शिशु मंदिर, इधर इधर सर इधर देखो, सिर्फ मैं पढ़ा हूँ जो देवनागरी कॉलेज के पास में आता है, और फिर मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। सर रावण की ससुराल में राम आ रहे हैं, अच्छी बात है। अब ऊपर राम कहा जाता है, आप कर रहे हैं राम, या ऊपर कराएंगे हम, बाइक कराएंगे राम से, लेकर अभी लेके चलते हैं, अभी चले ऊपर एक बार। जनता का सवाल है कि अगर यदि आप जीत जाते हैं तो मेरठ में रहेंगे आप, तो मेरठ में आपके दर्शन हो पाएंगे लोगों को या नहीं, ये समय ही बताएगा। भाई देखो, सुयश है, आप प्यार और संवेदनशीलता लेके आए हैं मेरठ की जनता के लिए। राहुल गांधी भी लगातार भारत छोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, और थोड़ी प्यार की बात आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो क्या कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने प्रति जानता हूं कि मैं अपने विचारों के प्रति, स्वयं के प्रति और बाकी लोगों के प्रति कितना ईमानदार हूं, समझे ना। वो आपको समय आएगा तब समझ में आएगा। फेस कर रही है बीजेपी, लेकिन कुछ सी ग्रेड फिल्मों में आपने काम किया है, उनके सोशल मीडिया ने आपके जो सी ग्रेड फिल्म में ए प्लस का सर्टिफिकेट जिन्हें मिला है उसके वीडियो निकाल के अक्सर सर्कुलेट करने शुरू कर दिए, तो विपक्ष इसका इस्तेमाल, जहाँ पक्ष राम की छवि, उधर आपके सी ग्रेड हीरो की छवि, उसमें कैसे तालमेल बिठाएंगे? वो तालमेल मेरा बिठाना मेरा काम नहीं है, पहली बात तो ये है। उनका काम जो वह है, वो जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप किसी को कैसे रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि कौन सी चीज फाइनली विजय हासिल करती है। सर एक सवाल, बीच में जीत के बाद रहेंगे आप जनता के बीच में, रहेंगे उनकी परेशानियां, उनके सुख दुख रहेंगे रहेंगे मैं फाइनली एक लाइन आपसे कह रहा हूँ, मेरा ये भरसक प्रयत्न होगा कि मैं उन लोगों के प्रति, उनके विश्वास के प्रति जो मुझे यहाँ लेकर आएंगे, उनके विश्वास के प्रति मैं हमेशा ईमानदार रहूं, ये मेरा पूरा प्रयास। अच्छा सर एक सवाल बस, ये मुझे बता दीजिए, समाजवादी पार्टी अलग कर रही है, हाथी अलग आपके सामने आपके राह रोकने के लिए आ गया, तो वहां से आप आए, ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र लेके आए कि आपको लग रहा है कि विजय पताका फैला देंगे? ब्रह्मास्त्र न उनके पास है और न मेरे पास है, पहली बात है। मैंने आपसे कहा कि मैं जो लेकर आया हूँ मैं बहुत वही लोगों को दूंगा, और मेरी ईमानदारी।